जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं परमपिता परमात्मा से आपके और आपके परिवार के सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि के लिए मंगल कामना करता हूँ। साथ ही साथ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपका अपना अपना दैनिक राशिफल। साथ ही आपको बताने वाला हूँ, जो व्यक्ति अभी तक अपना वाहन, यानी किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को कार में भी मर्सिडीज चाहिए या किसी को ट्रक चाहिए, तो जो व्यक्ति अभी तक अपना वाहन नहीं प्राप्त कर सके हैं, चाहे वो किसी भी राशि के व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने खुद का वाहन प्राप्त करने के लिए क्या छोटे छोटे उपाय करें जो साल में या 3 साल में सिर्फ एक बार करने होते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो अपना चेहरा और प्रश्न कुंडली के माध्यम से, यानी आपके चेहरे और आपके प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको ये मदद पहुंचाई जा सकती है कि आप अपना स्वयं का मनपसंद वाहन खरीदने की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। तो इन सब बातों को जानने के लिए अंत तक आज का ये राशिफल देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्ञाने गंगा, ज्ञाने जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष आपका अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कहते हैं आपके ग्रह, गोचर, नक्षत्र और सितारे। राहु महाराज वृषभ राशि में वक्री चाल चलते हुए विराजमान है। सूर्यदेव, बुध देवता और मंगल देवता, ये तीनों ही सिंह राशि में विराजमान है। तीनों आपस में मित्र हैं। कन्या राशि में शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं, वहीं पर ही वो विराजमान है कन्या राशि में। वृश्चिक राशि में वक्री चाल चलते हुए केतु महाराज विराजमान है। शनिदेव जी अपने स्वयं के घर में वक्री चाल चलते हुए विराजमान है, यानी मकर राशि में विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति चंद्र देवता के साथ कुंभ राशि में विराजमान है। और यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह हम लोगों को अपने अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार, पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार, या तो शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की वर्षा करते हैं, या बुरे फल के रूप में दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता और दुर्गति प्रदान करते हैं। जो इस जन्म में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, वो अगले जन्म में किसी भिखारी के यहाँ जन्म दे देते हैं, या फिर राजा सरीखे परिवार में आपका जन्म होता है। तो क्यों करें पाप, क्यों करें देश की संपत्तियों का नुकसान, क्यों करें भ्रष्टाचार, क्यों करें मिलावटखोरी, क्यों करें नशे के सौदागरों का साथ, क्यों करें नशा, क्यों हम करें आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से कोई समर्थन, क्यों हम समाज का, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का किसी भी प्रकार से बुरा करने का प्रयास करें, वरना इसका दंड तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी नहीं करना ऐसा कोई कार्य जो लौट के आपकी ही दुर्गति करे। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने गूगल प्ले स्टोर पर एक मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी लॉन्च की हुई है। इस ऐप के माध्यम से, जिसका लिंक इस वीडियो में भी है, आप अपनी सभी प्रकार की परेशानियों का डायरेक्ट उपाय जान सकते हैं। साथ ही साथ समय समय पर मेरे द्वारा, गुरु मां रुक्मणी के द्वारा और स्वामी राज ऋषि के द्वारा आपको आपके जन्मदिन पर, होली और दिवाली के पावन पर्व पर इसी ऐप के थ्रू बधाई संदेश भेजे जाते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कभी भी डिलीट मत करिएगा, रादर आप मदद करिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अड़ोसी पड़ोसियों की, उनकी परेशानियों में इस ऐप के माध्यम से। प्रिय भक्तगणों, मैं उन सभी भक्तों का जिन्होंने समय समय पर मुझसे इस वीडियो के माध्यम से या मुझसे पर्सनली मिलकर या ईमेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से या वीडियो कॉल पर मुझसे बात करके अपनी परेशानियों के लिए उपाय लिए हैं और उनसे फायदा उठाया है, तो उन सभी भक्तगणों को मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंत्र माला और इसमें लगे हुए विभिन्न प्रकार के जो लॉकेट हैं, उनमें से एक लॉकेट आपकी किस्मत के अनुसार
चाहे वो आपके भाग्य की में वृद्धि के लिए हो, चाहे शनि महाराज की पूजा के लिए हो, चाहे कालसर्प दोष के लिए हो, चाहे मोहिनी मंत्र का हो, चाहे वशीकरण मंत्र का मंत्र सिद्ध किया हुआ ये लॉकेट हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा दूंगा। शर्त सिर्फ एक छोटी सी है, अगर आप जो इस समय स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर मुझे अपना एक वीडियो बनाकर भेजेंगे कि आपने किस प्रकार से मुझसे बात की, किस प्रकार से आपको क्या, आपको क्या परेशानी थी, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और मैंने जो आपको किस प्रकार से उपाय दिए, वीडियो के माध्यम से दिए, फोन कॉल के माध्यम से दिए, या किसी वीडियो कॉल पर चर्चा करके दिए, या पर्सनली आप मुझसे मिलने आए थे और मैंने आपको उपाय दिए थे, और उन उपायों से जो भी आपको फायदा हुआ है वो फायदा आप बताएंगे, और साथ ही साथ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हम जैसे लोगों के बारे में वो आप बताएंगे। तो यह मंत्र सिद्ध माला और लॉकेट में आपको आपके एड्रेस पर, जो कि आप मुझे वीडियो के साथ ही भेजेंगे, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखकर, तो आपको घर बैठे भेज दूंगा, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस नंबर पर मुझे अपना वीडियो 3-4 मिनट का एक वीडियो बनाकर भेजने। प्रिय भक्तगणों, आज है 24 अगस्त सन 2021, मंगलवार का दिन है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, विक्रम संवत है 2078। आज परमपिता परमात्मा जो आप सब के लिए अपने द्वार खोलने वाले हैं, वो समय रहेगा 11:40 से लेकर 1:18 तक। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करके उनको नमन अवश्य कर लेना। साथ ही साथ जो लोग कोई शुभ मुहूर्त तलाश रहे हैं आज किसी शुभ कार्य के लिए, वो समय रहने वाला 11:57 से लेकर 12:49 दिन का समय है। और जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म के लिए समय तलाश रहे हैं, उनके लिए जो समय रहने वाला है वो सुबह 9:09 से लेकर 10:46 तक, या फिर 3:37 दोपहर में से लेकर 5:14 तक ये समय रहेगा। किंतु ध्यान नहीं है, कोई भी जादू टोना टोटका विचार कर्म षटकर्म कभी भी किसी का बुरा करने के लिए कभी मत करना, वरना उसकी जो बुरे फल हैं आप ही को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। चलिए प्रारंभ करता हूँ आज के राशि फल के साथ। प्रिय भक्तगणों, मेष राशि वालों से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों, कुछ उलझने परिवारजनों के साथ हो सकती है, सावधान रहें। स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है, वो मन को फोकस करें पढ़ाई लिखाई पर, अवश्य ही लाभ होगा, स्वतः ही लाभ होगा। साथ ही साथ उन सभी युवक युवतियों की बात करूं जो नौकरी प्रमोशन एंगेजमेंट ट्रांसफर व्यापार में उन्नति कंप्लीट एग्जाम में सफलता या सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट ढूंढ रहे थे, वो सभी युवक युवतियां को लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही तो बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। यहाँ पर जो मेष राशि के व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, उनको मर्दानगी से संबंधित समस्या हो सकती है, या स्त्रियाँ हैं उनको फीमेल संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर बात करूँगा जिन लोगों की अभी शादी की संभावना बनी हुई थी, शादी के रिश्तों की बात चल रही थी, वो बात खराब होती हुई नजर आ रही है, किंतु जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो अपने जीवन साथी का और अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ख्याल रखें। जीवन साथी से झगड़ा ना करें, गृहस्थ जीवन में अगर झगड़ा होगा तो आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इस झगड़े को, इस गृहस्थ जीवन के तनाव को ठीक करने के लिए आप दोनों में अभी बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर मुझसे बात करें, चर्चा करें, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय से, जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपके बच्चों के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसको भी ठीक करेंगे। यहाँ पर बात करूंगा आपके कार्यस्थल पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद देना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे आप व्यापार करते हैं। साथ ही साथ आमदनी में भी परेशानी होने की संभावना है, और आमदनी को लेकर यात्रा की संभावना भी बनती नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें, अपनी जो खराब हैं, कमजोर नीच के और पापी ग्रह हैं, यानी आपके जो खराब ग्रह, कमजोर ग्रह, नीच के और पापी ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में, और जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के अनुसार जो ग्रह हैं ऐसे हैं, उनके शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे चर्चा करके कर सकते हैं, और निरंतर अपनी जिंदगी में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। यहाँ बात करने वालों में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों कुछ उलझने आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। जो स्टूडेंट हैं, जो युवक युवती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे या नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है उनके माता के आशीर्वाद के साथ।
अगर वो अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं तो उनको नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, ट्रांसफर, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या व्यापार में उन्नति के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें, वो गलत डायरेक्शन में जाने की फिराक में है। आपके बच्चे सावधान रहें, सतर्क रहें, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए मेरा छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करें, अवश्य ही फायदा होगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी के क्रोध से बचने का प्रयास करेगा। आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा नहीं है तो माता का आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही जीवन साथी के प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है। भाग्य में वक्री शनि आपके अपने ग्रह का नीच का हो जाना और कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं होना, क्योंकि कार्यस्थल पर देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर बैठे हों तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अड़चने और परेशानियां आने की संभावना बनाएंगे। किंतु कार्यस्थल को ही लेकर एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। उलझने आपका पीछा छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उलझे करेंगे और हर कार्य में आपको अड़चन महसूस होगी। ऐसी स्थिति में आप अपने कमजोर, खराब, नीच के और पापी ग्रहों को वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके घर बैठे ठीक कर सकते हैं, छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के साथ, जो साल में या 3 साल में एक बार करने होते हैं। और आप सिर्फ एक बार किए गए उपायों के माध्यम से तरक्की की नित्य नई ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते चले जा सकते हैं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं। यहां बात करो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि उलझने हैं और चिंताएं हैं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, एक चिंता खत्म होती है दूसरी लग जाती है, फिर तो आपके अपने बाहुबल की बदौलत, आपके अपने भाई बहनों की मदद की बदौलत आपको गोल्डन चांस मिलना जा रहा है। उन सभी युवकों के लिए जो नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता के अवसर तलाश रहे थे, व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, तो इस शुभ मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करें, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा मैं अवश्य आपको मदद करूंगा। माता के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें। किसी अपनी स्त्री को लेकर माता के साथ झगड़ा हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें, यह उचित बिल्कुल नहीं है। माता की बद्दुआ आपको बर्बाद कर सकती है। यहां बात करूंगा स्टूडेंट्स की, मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे चलकर कैरियर बनाएंगे। तो गारंटी से मन लगाने के लिए मैं हूं ना, बच्चे आपके हैं, मैं गारंटी से उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगा। बात करता हूं स्वास्थ्य से संबंधित, लॉन्ग टर्म में ऑपरेशन होने की संभावना है, उस ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आपको मदद लेनी पड़ेगी या तो डॉक्टर की, और डॉक्टर आपको ऑपरेशन रिकमेंड कर चुका है तो फिर एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। वीडियो कॉल पर मदद ले लेना, छोटा सा उपाय आपके ऑपरेशन को रोक सकता है, जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। यहां बात करता हूं आपके जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी आपके भाग्य में बैठकर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, आप उसका लाभ उठाइएगा। किंतु अष्टम बैठे हुए शनि आपको कोई बुरी सूचना दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको विचलित कर सकते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। देव बृहस्पति भी वक्री बैठकर आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। कार्यस्थल पर विपरीत हालात उत्पन्न हो सकते हैं, नौकरी में परेशानी आ सकती है, व्यापार में, काम धंधे में परेशानी आ सकती है ऐसी स्थिति में। और अपनी चिंता फिक्र को दूर करने के लिए अपने खराब, कमजोर, नीच के और पापी ग्रह जो आपको इस समय परेशान कर रहे हैं उनको ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बार के उपाय के द्वारा आप इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, साल भर के लिए या 3 साल के लिए। मैं हूं ना, चर्चा करिए वीडियो कॉल पर। बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं आपके परिवारजनों की वजह से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन सब युवक युवतियों को नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, ट्रांसफर, सरकार से कोई बेनिफिट, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, सरकारी नौकरी या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। अगर कोई परेशानी आती है तो बिना किसी चक्के मुझसे संपर्क करिएगा, वीडियो कॉल के माध्यम से मैं अवश्य मदद करूंगा। यहाँ पर भाई बहनों के साथ झगड़ा करना, विशेषकर बहनों के साथ झगड़ा करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। माता के साथ भी अनबन होने से बचिएगा, माता का आशीर्वाद लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। जो स्टूडेंट हैं उनका मन इस समय तोड़फोड़ में ज़्यादा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई में तो लग ही नहीं रहा है। माँ बाप ध्यान दें, क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे का कैरियर। मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए, गारंटी से आपका मन, बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, हर साल पहले से ज़्यादा नंबर दिलवाऊंगा। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ इन दुनिया में जितने भी स्कूल वाले हैं उन सबके ओनर्स को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, मुझे गलत साबित करके दिखाएं, मुझे खराब से खराब बच्चे दें, देखिए मैं उनको कैसे सुधारता हूँ।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में सिर्फ एक बार प्रयोग करने होते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। अगर शादी के रिश्तों की बात चल रही है तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें अड़चन आ सकती है, टूट सकती है बात। लेकिन अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा तो गृहस्थ जीवन में कलेश और तनाव आपको परेशान कर देगा। ऐसी स्थिति में आप मेरी सहायता लेकर अपने गृहस्थ जीवन के तनाव को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप दोनों जने करेंगे तो बेहद लाभ होगा और बच्चों पर भी कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ बात करता हूँ आपके शनि वक्री हैं और चंद्र बृहस्पति देवता भी वक्री हैं, शुक्र आपके नीच के हैं और राहु महाराज आमन्य बैठकर रुकावट डाल रहे हैं। तो इन सब स्थितियों में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे, कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करें। अपने खराब नीच के पापी और कमजोर ग्रहों को ठीक करके जिंदगी में निरंतर ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए, जिसके लिए मैं हूं ना। बात करता हूं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट है इस समय आपके लिए बहुत गोल्डन चांस चल रहा है। आपका अपना ग्रह उन सभी युवक युवतियों को लाभ पहुंचाएगा जो नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है उनके अपने आत्मबल के भरोसे पर। इसमें किसी और का योगदान कम है, आपका अपना योगदान सबसे अधिक है। तो ये बहुत खुशी का अवसर है, इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी चीज़ के मुझसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ परिवारजनों से, परिवारजनों की औरतों से विशेषकर उलझने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी गले पड़ जाएंगे। यहाँ पर बात करता हूँ माता के क्रोध से भी बचने का प्रयास करना, वरना आपकी ही बैंड बजने वाली है। जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, रोमांस की तरफ ज़्यादा जाएगा, माँ बाप ध्यान दें। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए मैं गारंटी से मदद करता हूँ। और जो लोग शादी होने की संभावना तलाश रहे हैं इस समय पर, तो वो अगर अपने घर में अपने प्रेम संबंधों के बारे में बता देंगे तो प्रेम संबंधों में ही शादी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। यहाँ पर बात करूँगा जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके जीवन साथी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको खुद को भी प्रॉब्लम हो सकती है सिंह राशि वालों को, तो इसका विशेष रूप से ध्यान करें। कोई क्रोनिक डिसीज प्रॉब्लम में खड़ी कर सकती है, जीवन साथी को लेकर यात्रा की संभावना बन सकती है। कार्यस्थल पर राहु का बैठ जाना और घर पर केतु का बैठ जाना इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई दुश्मन आपकी बैंड बजाने में लगा हुआ है। यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। कार्यस्थल पर नित्य नई उलझने खड़ी करना चाहता है, उसके द्वारा या किसी और के द्वारा ये उलझने खड़ी हो सकती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी परेशानी में, किसी भी विपरीत स्थिति में। आप समझ लीजिए ये सब ग्रह देवताओं की मेहरबानी, आपके अपने अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव होता है जो पिछले जन्म में किए हों या इस जन्म में किए हों। तो इस स्थिति में आप अपने खराब नीच के कमजोर और पापी ग्रहों को ठीक करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो हमारे संतों ऋषियों ने खोजे थे उन उपायों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करिए, घर बैठे लाभ उठाइए। यहाँ पर बात करता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका अपना ग्रह इस समय राशि से 12th होकर बैठ गया है, वहां पर साथ ही साथ बैठे हुए सूर्य देवता, मंगल देवता साथ में बैठकर, यानी तीनों की तीनों बैठकर आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। खर्चों में अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं, आपके आत्मबल को छीन कर रहे हैं, आपको कमजोरी महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ आपका मन एकदम विपरीत सेक्स की तरफ ऐसे भाग रहा है, जैसे विपरीत सेक्स की तरफ इतना आकर्षण बन रहा है आपका कि पता नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आफत आ जाएगी, क्या आपकी दुनिया बदल जाएगी। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करिएगा अपने आप पर। यह बात करता हूँ भाई बहनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी मत प्रयास करिएगा। माता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। माता की देखभाल करना, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस समय पर बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे करियर बनेगा, मैं हूँ ना गारंटी से मदद करने। यहाँ पर बात करता हूँ उन सभी युवक युवतियों के लिए जो नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में सफलता, कंप्लीट एग्जाम में सफलता, सरकारी नौकरी या सरकार से कोई बेनिफिट या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे उनके रास्ते में एकदम रुकावट आकर खड़ी हो गई है कन्या राशि वालों के लिए। तो ऐसी स्थिति में अपने कमजोर, खराब नीच के और पापी ग्रहों को ठीक करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ऊपर से राहु महाराज भाग्य में बैठकर भाग्य को सील कर रहे हैं, भाग्य में अड़चन दे रहे हैं।
तो जब तक आप अपने ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे, आपकी बैंड बजी रहेगी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। इन नीच कमजोर खराब और पापी ग्रहों को ठीक करके आप जीवन भर तरक्की की नित्य नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं मुझसे। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। गुरु जी और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श। और मेरा नाम नीलम है, मैं नीलम बहरेन से बात कर रही हूँ। गुरु जी से बात हुई थी मेरी, एंड गुरु जी मैं इतना ही कहूँगी, यू आर द बेस्ट। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि सही जगह है और सारे समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल सकता है। और मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों के पास आके आप लोगों का दर्शन करूं, तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरा विश्वास है। और गुरु माँ से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ऐसे ही है ये वीडियोस भी, जैसे और बहुत सारे यूट्यूब पे होते हैं। एंड मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि थैंक्स टू यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ओनली आई जस्ट फाइंड आउट गुरु जी एंड गुरु माँ। एंड या शनिदेव से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु माँ और गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का बहुत मदद कर रहे हैं, और उनके पूजा पाठ से, उनके आशीर्वाद से बहुत लोगों का बहुत भला हो रहा है। तो शनिदेव की कृपा से गुरु माँ और गुरु जी को शनिदेव स्वस्थ रखे और उनको लंबी आयु दे, ताकि वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे। एंड मैं और ज़्यादा, मुझे बोलना तो नहीं आता गुरु जी, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई प्रणाम, एंड गुरु माँ को जी को भी मेरा। सो जय शनिदेव, जय गुरुदेव। हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं गुरु रजनीश ऋषि जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पर उनको देखा था और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, अपनी तकलीफ बताई, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया और वो मैंने किया। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा मन हल्का हो गया है, जैसे मेरी तकलीफ दूर हो गई। जय शनिदेव। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरी और मेरे बच्चों के लिए राशिफल दी। मैं आपकी दी हुई उपाय को जरूर करूंगी। एंड यू आर सो काइंड एंड हेल्पफुल गुरु जी, आपने इतना प्यार से मुझे समझाया, मुझसे बात किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ बात करने वाला हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जब नीच का हो जाएगा तो आपको विपरीत प्रभाव मिलेंगे, आपको कमजोरी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से वो राशि से ट्वेल्थ जाकर बैठ गया, यानी अत्यंत खराब अवस्था में आपके लिए आ गया, तो आपके आत्मबल में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। इस समय पर परिवारजनों से भी झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है, माता के साथ भी उलझने खड़ी हो सकती है, माता से झगड़ने का और उनकी बद्दुआ लेने का गलती से भी प्रयास मत करना। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। मन पढ़ाई लिखाई में नहीं मिल लगेगा, किंतु यात्रा की ओर आकर्षित हो रहा बहुत तेजी से। जो भी करें सोच समझ कर करें, कोरोना का काल है, ये आपके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखें। राहु महाराज कोई शुभ सूचना देने वाले नहीं है आपको, एक तरफ राहु एक तरफ केतु दोनों ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं, सावधान रहिएगा। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं आपके पिताश्री के बारे में। तो आपको अपने कार्यस्थल पर जाने से पूर्व अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद अवश्य लेते रहिएगा, बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ आपके दूर के जो रिश्तेदार लग रहे हैं, वो उनकी मदद से आप नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंपटीटिव एग्जाम में सफलता, सरकारी नौकरी या सरकार से कोई अन्य बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। ऐसा समय आया हुआ, तो सभी युवक युवतियाँ ध्यान दें और अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ये अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से निकल ना जाए। फिर भी कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे ही मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से
लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। भाई बहनों से झगड़ा करने का प्रयास ना करें। माता की देखभाल करें, माता का आशीर्वाद लें। माता के साथ एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें। जीवन साथी से उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। आपके पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद। आपके लिए नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, सरकारी नौकरी या सरकार से कोई बेनिफिट दिलाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर ये अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करिएगा। या फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर वीडियो कॉल पर घर बैठे मुझसे चर्चा कर सके, लाभ उठा सकते हैं। यहाँ जो आमदनी के खराब होने की संभावना भी बनी हुई है, तो अपनी आमदनी को किसी स्त्री के माध्यम से खराब होने से बचाने का भरपूर प्रयास करें। अपने कमजोर, खराब, नीच के और पापी ग्रहों को ठीक करने के लिए आप बिना किसी झिझक के घर बैठे वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। बात करने वाला हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह आपका बाहुबल तो बना हुआ है, लेकिन वक्री होने की वजह से वो आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है। परिवारजनों से उलझन होने के संकेत बने हुए, क्योंकि शनि महाराज वहां पर बैठकर वक्री है। भाई बहनों के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। माता का विशेष रूप से ख्याल रखें, माता का आशीर्वाद नृत्य प्रति लेते रहें। और जो स्टूडेंट है निश्चित रूप से इस समय अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अच्छा करने में समर्थ भी होंगे। साथ ही साथ वो सभी युवक युवतियां जो नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता, सरकार से कोई बेनिफिट की इच्छा रख रहे थे, उसके लिए प्रयास कर रहे थे या व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, उनको भगवान की डायरेक्ट कृपा से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का लाभ उठाएं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। कोई परेशानी होने पर बिना किसी झिझक के मुझसे संपर्क करें, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। आपके जीवन साथी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आपका जीवन साथी इस समय आपके भाग्य का कारक बना हुआ है, तो जीवन साथी की सलाह मानकर भी लाभ उठाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर थोड़ी अड़चन आ सकती है किसी स्त्री के द्वारा, तो उससे सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो आपके कार्यस्थल पर आकर पंगा कर दे, कोई परेशानी खड़ी कर दे, तो किसी स्त्री से अपने कार्यस्थल पर झगड़ा करने से बिल्कुल डरें। किसी स्त्री से अपने कार्यस्थल पर झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। यहां मैं बात करने वाला हूं अपने कमजोर, खराब, नीच के और पापी ग्रहों को ठीक करके आप तरक्की की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपकी अवश्य ही मदद करूंगा। वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे आप मुझसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। बात करो मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह जब वक्री होकर सिर पर आकर बैठेगा या राशि में बैठेगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उलझने तो देंगे, लेकिन क्योंकि आपके अपने हैं तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर परिवारजनों के घर में जाकर बैठ गए हैं, तो परिवारजनों से उलझने का प्रयास मत करेगा। उनका आशीर्वाद लेके तो बहुत फायदा होगा, उनके साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर माता को लेकर कि अगर आप कहीं उलझने की क्या प्रयास करेंगे तो माता की बद्दुआ आपको जलाकर राख कर देगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, माँ बाप ध्यान दें, मैं गारंटी से उपाय करता हूँ। हर साल अच्छे नंबर दिलाता हूँ आपके बच्चों को, और उनका मन भी पढ़ाई लिखाई में घर बैठे लगा सकता हूँ। आप मुझसे कभी भी मदद ले सकते हैं उसके लिए। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में, युवक युवतियों के बारे में जो नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की संभावना तलाश रहे, तो उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, उनको इलाज हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। वो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ भाग्य में किसी स्त्री की वजह से अगर उसकी बद्दुआ ले लोगे तो आपका भाग्य इस समय खराब होने के कंगार पर पहुंच जाएगा, बुरी तरीके से प्रभावित कर देगा। आपको सावधान रहें, सतर्क रहें। कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं है। आपको कार्यस्थल पर चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आमदनी के हालात भी प्रॉपर अनुकूल नहीं है, लेकिन अचानक झटके से लाभ होने की संभावना जरूर बन सकती है किसी समय पर, किंतु हालात अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आमदनी के देवता जब अष्टम होकर बैठेंगे तो आपको लाभ नहीं देंगे, एक्सीडेंट कराते हैं। सावधान रहिएगा, वाहन चलाते समय बेहद सावधानी का प्रयोग करें। अपने जीवन साथी से झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। अगर गृहस्थ जीवन में कलेश हो रहा तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन से कलेश को गायब कर देंगे, उन उपायों का लाभ उठाइएगा। यहाँ बात करने वाला हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, हालात की गंभीरता को समझिए। आपका अपना ग्रह राशि से 12th होकर नीच का बैठा हुआ है। मैंने इस स्थिति में कई लोगों की से संपर्क हुआ, मेरा पता चला वो जेल में है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा सरकार विरोधी,
कि आप उनमें से किसी को जेल जैसे या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े या पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े, ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। किसी भी कानून को तोड़ने का प्रयास मत करिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में जाकर वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इन खराब ग्रहों को ठीक करना अत्यंत आवश्यक होता है, चंद्र देवता की वजह से जाता की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ माता के साथ उलझने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कम्पिटेटिव एग्जाम की सफलता देख रहे, तो उनको जीवन साथी के माध्यम से ये लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करिएगा, बदनामी से बचने का प्रयास करिएगा। आपके कार्यस्थल पर कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा ले सकते हैं, सावधान रहिएगा। ऐसी किसी भी स्थिति में अपने शत्रुओं से बचने के लिए या अपने खराब, कमजोर, नीच के और पापी ग्रहों को ठीक करने के लिए बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करें। घर बैठे आपको लाभ देने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं हूं ना। बात करने वाला हूं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों, आप के जो युवक युवतियां मीन राशि वाले, जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, व्यापार में उन्नति, कंप्लीट एग्जाम में सफलता की संभावना तलाश रहे थे, व्यापार में उन्नति के अवसर तलाश रहे थे, उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से कोरोना नाम की बीमारी आपको विचलित कर सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आप कोरोना के जाल में फंस के रह जाएं। हालात गंभीर हैं आपके लिए। भाई बहनों से उलझने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने जीवन साथी के साथ रोमांस का एक भरपूर अनुभव कर सकते हैं, मगर उनसे झगड़ा करने से बचिएगा। उनसे झगड़ा करेंगे तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ कार्यस्थल के हालात जो है आपके फेवर में नहीं है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अपने कार्यस्थल पर, और आमदनी में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर बृहस्पति है, दूसरी जगह पर शनि खराब होकर बैठे हुए हैं, राहु महाराज अलग से खराब होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके शुक्र देवता भी नीच के हैं, सूर्य मंगल बुध भी खराब होकर बीमारी के घर में जाकर बैठ गए, तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने दैनिक जीवन का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने खराब, नीच के, कमजोर और पापी ग्रहों को ठीक करके इस अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। जिसके लिए मैं हूं ना, वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करिए, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। आप सभी लोगों से मैंने एक चर्चा की थी कि जिन व्यक्तियों के पास अपना वाहन नहीं है, अपना कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटी नहीं है, बस नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है या ट्रक नहीं है, तो वो सभी लोग जो इनके ना होने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे सभी लोग अपनी जन्म कुंडली के उन ग्रहों को जो इसका कारक बने हुए हैं उनको मजबूत करके शीघ्रता शीघ्र वाहन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो आप वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात करूंगा आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।